कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान पर उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि सैम पित्रोदा का बयान रंग भेद को बढ़ावा देने वाला है। कांग्रेस नेता का ये बयान देश के अंदर विभाजनकारी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस को ऐसे बयानबाजी करने वाले नेताओं को आजीवन पार्टी से बाहर करना चाहिए। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा का जो बयान है वो देश के अंदर एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ रंग भेद को बढ़ावा देने का एक उनका बड़ा बयान है। खासतौर पर भारत की एकता खंडता को भंग करने वाला बयान है। देश का विभाजनकारी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। उनके द्वारा पूर्वोत्तर भारतीयों को चीनी, दक्षिण भारतीयों को अफ्रीकी, पश्चिम भारतीयों को अरब जैसा दिखने का जो बयान है, ये भारत के जो स्वरूप है, क्योंकि भारतवर्ष तो एक ऐसा देश है जहाँ हर प्रकार के फूल खिलते हैं, हर प्रकार की जलवायु रहती है, और इस देश के अंदर जन्म लेना ईश्वर भी अपना सौभाग्य समझता हूँ। ऐसे भारत के अंदर इस प्रकार के बयानबाजी देश की एकता अखंडता के लिए घातक है। मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करूंगा कि उनको इस पर देश से माफी मांगनी चाहिए और इस प्रकार के बयान देने वालों को आजीवन पार्टी से बाहर रखना चाहिए और इस प्रकार के बयानों पर उनको कड़ा रुख अपनाना चाहिए।